पीटीटी 2023 के फॉर्म शुरू हो चुके हैं, तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं कि ये फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रिंट तक जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपसे फॉर्म में कोई भी गलती ना हो। गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा इस बार पीटीटी करवाएगी, तो वेबसाइट का इंटरफेस चेंज आपको लग सकता है। वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अगर आप बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड फोर ईयर कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, टू ईयर कोर्स के लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेकिन आगे का जो दोनों में प्रोसेस है वो एकदम एक जैसा है, दोनों में सेम है, चाहे आप बीए टू ईयर कोर्स के लिए अप्लाई करें या फिर फोर ईयर कोर्स के लिए। लास्ट डेट जो रखी गई है अभी के लिए 5/4/2023 है, और जो आपका एग्जाम होगा वो 21/5/2023 को होगा। तो चलिए हम यहाँ पर बीए टू ईयर कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि आगे का प्रोसेस दोनों में एक जैसा है। उसके बाद यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आवेदक का नाम आ जाएगा, पिता का नाम यहाँ पर दर्ज कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन में आप ई मित्र क्योस्क सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग सभी तरीके से पेमेंट कर सकेंगे, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये सब डिटेल दर्ज करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर आपको माता का नाम दर्ज करने के लिए बोला, यहाँ पर आप माता का नाम दसवीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग दर्ज करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे, साइज 100 KB से कम रखना है, जेपीजी फॉर्मेट में फोटो अपलोड कर सकते हैं, सिग्नेचर में 50 KB से साइज कम रखना है, जेपीजी फॉर्मेट में सिग्नेचर आप अपलोड कर सकते हैं। कोशिश करें कि यहाँ पर आप ब्लैक पेन से सिग्नेचर अपलोड करें, यहाँ पर लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन यानी अंगूठे का निशान अपलोड करना है, वो भी ब्लैक इंक पैड से यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन अगर आप ब्लू से करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हर बार बताया जाता है, लेकिन कोशिश करें अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप ब्लैक इंक पैड से ही ये अंगूठे का निशान और ब्लैक पेन से सिग्नेचर अपलोड करें, इसका साइज 100 KB से कम रखना है, जेपीजी फॉर्मेट में ये अपलोड करना है। तो ये तीनों चीज यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये तीनों चीज आगे दिखाई देगी, तो यहाँ पर फोटो सिग्नेचर और अंगूठे का निशान चेक कर लीजिए सही आया है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। विवाहित स्थिति चुनेंगे, विवाहित है अविवाहित है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर विवाहित है तो यहाँ पर अगर लड़की है तो हस्बैंड का नाम आ जाएगा, नहीं तो ये कुछ भी यहाँ पर दर्ज करने की जरूरत नहीं है, जन्म तिथि ऑटोमेटिक आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट बोनाफाइड यानी कि कौन से स्टेट में आपका जन्म हुआ है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो भी जिला है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, चलिए हम यहाँ पर जिला सिलेक्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से, तो हमने यहाँ पर जोधपुर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपकी जो भी श्रेणी या कास्ट कैटेगरी जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस। अगर आप ओबीसी में अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है तो आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर आप ओबीसी क्रिमिनल सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो करना है। बाकी ये सभी डिटेल अगर आप पर लागू होती है, अगर आप विवाहित हो तो यहाँ पर ये सभी डिटेल ओपन हो जाएगी और आपको बता देना आप तलाकशुदा हो या नहीं, विधवा हो या नहीं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप रक्षा कर्मचारी आश्रित हो तो यहाँ पर यस कर सकते हो, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप विकलांग हो 40% से ज्यादा तो आप यस कर सकते हो, और उससे संबंधित आपको कैटेगरी भी बतानी होगी, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे, चलिए हम विकलांग नहीं है तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर हमें परमानेंट एड्रेस बताना है, जो हमारा स्थायी पता है तो वही हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आप अपना वार्ड नंबर, क्षेत्र का नाम, गांव का नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिए, तहसील का नाम दर्ज कर दीजिए, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपका राज्य कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपका जिला कौन सा है वो यहाँ पर आप चुनाव कर लेंगे। चलिए हम जिला सिलेक्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से, तो हमने यहाँ पर चलिए जोधपुर कहाँ गया, जोधपुर हमें सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप अपने पिन कोड यहाँ पर दर्ज कर देंगे। उसके बाद कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब आपका जो पत्राचार पता है, वर्तमान जो पता है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे, तो वर्तमान पता यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। अगर आपका स्थायी पता और वर्तमान पता एक ही है तो दोनों जगह पर सेम पता दर्ज कर दीजिए। उसके बाद पिन कोड आ जाएंगे, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आप दर्ज कर दीजिए, जो भी ईमेल आईडी आपके फोन में लगी हुई है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करते टाइम ध्यान रखें सही मोबाइल नंबर दर्ज करें, क्योंकि ये मोबाइल नंबर आगे आपको रिपोर्टिंग तक हमेशा काम में आएंगे। जी हाँ, जब तक आपका बीएड कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं कहता हूँ काम आएंगे, तो सही से और 4 बार चेक करके मोबाइल नंबर दर्ज करें। यहाँ पर फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन चुनेंगे, आपके पास कॉमर्स था, साइंस था, आर्ट था, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर आर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आगे यहाँ पर टीचिंग सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के बारे में बताया हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक बार ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप सोशल स्टडीज यहाँ पर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके आगे जो भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर सोशल स्टडीज ले सकते हैं। सिविक्स लेना चाहते हैं तो इनमें से 2 सब्जेक्ट, यहाँ पर जो 2 सब्जेक्ट दिए हैं इनमें से 1 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आप ये ले सकते हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, अगर आपने कॉमर्स वगैरह ले रखा है तो उस हिसाब से चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमने बीए कर रखा है,
तो हम बीए सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने बीए ऑनर्स वगैरह कर रखा है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे ग्रेजुएशन लेवल पर, आपके पास जो तीन आपके मनपसंद सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट में देखकर। तो यहाँ पर चलिए हम तीनों अलग अलग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक था यहाँ पर हिस्ट्री था तो हम हिस्ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये रहा हिस्ट्री। उसके बाद दूसरा और तीसरा आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे दूसरा हमारे पास था यहाँ पर ये पॉलिटिकल साइंस, वो सिलेक्ट कर लिया। और तीसरा हमारे पास हिंदी साहित्य था, तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का ऑप्शन नहीं, हिंदी का ही ऑप्शन मिलेगा आपको, तो हिंदी साहित्य था तो हिंदी साहित्य सेलेक्ट कर लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो कौन से सब्जेक्ट से आपने की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर टीचिंग, वो जो चूज स्कूल टीचिंग के लिए जो सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है, जो ऊपर कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको आपके पास ग्रेजुएशन लेवल में सोशल स्टडीज़ के वो दोनों सब्जेक्ट थे, जैसे यहाँ पर देख लीजिए सोशल स्टडीज़ में ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, इनमें से दो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन लेवल में थे तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम सोशल स्टडीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस था। उसके बाद सिविक्स भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस हमारे पास था। उसके बाद यहाँ पर हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपके पास ये दोनों सब्जेक्ट नहीं थे तो अपने हिसाब से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आती है आपकी इनकम डिटेल, आपके परिवार की जो भी वार्षिक आय है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि 0 से 2 लाख के बीच में सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी अगर आपके परिवार की ज़्यादा इनकम है तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। एग्जाम के लिए आप पहला जिला कौन सा सेलेक्ट रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी पहली चॉइस और आपकी सेकेंड चॉइस एग्ज़ाम जहाँ पर आप देना चाहते हैं। उसके बाद आती है यहाँ पर आपकी एजुकेशन डिटेल, जिसमें सबसे पहले 10वीं की डिटेल आएगी। 10वीं आपने कौन से बोर्ड से कर रखी है वो सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से साल में पास की है, आपके टोटल नंबर कितने थे 10वीं में वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए, जो मार्कशीट में लिखे होंगे आपको कितने मिले वो यहाँ पर कर दीजिए, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसी तरह से आपको यहाँ पर 12वीं की डिटेल दर्ज करनी है, कौन से बोर्ड से पास की है और कौन से साल में आपने पास की है वो यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, मार्कशीट में लिखा होगा, टोटल नंबर आपको कितने मिले और परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ग्रेजुएशन में यहाँ पर आप ग्रेजुएशन पास आउट हो या फिर अभी चल रहा है फाइनल ईयर चल रहा है तो आप अपेयरिंग सेलेक्ट कर सकते हो, पास आउट हो तो आप पास आउट सेलेक्ट कर सकते हो। हम अपेयरिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कौन से साल में अभी चल रहा है तो 23 में चल रहा है, 23 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपेयरिंग सेलेक्ट करते हो, अगर आप पास आउट हो तो उस हिसाब से ये मेक टोटल नंबर और आपके कितने नंबर आए वो सब दर्ज कर सकते हो। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो यहाँ पर आप पास आउट हो ग्रेजुएशन में तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आप दे सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर ग्रेजुएशन में अपेयरिंग है तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं वो भी यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। इनमें से यूनिवर्सिटी नहीं है तो अदर सेलेक्ट करके यूनिवर्सिटी का नाम दर्ज कर सकते हैं। चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ओके करना है, ओके करने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये पेमेंट इनवॉइस आ जाएगा, इसका प्रिंट आउट लेना जरूरी है। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और आप डायरेक्ट पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे सरल तरीका तो ये है पेमेंट करने का कि इस QR कोड को आप अपने फोन पे गूगल पे पेटीएम से स्कैन करो और डायरेक्ट 500 रुपये का पेमेंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ATM कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने कार्ड की डिटेल दर्ज कर सकते हो, जैसे कार्ड के नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर। उसके बाद CVV नंबर दर्ज करेंगे, पे पे क्लिक करेंगे, नंबर पे OTP आएगा, उसके बाद OTP देके पेमेंट हो जाएगा। UPI नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन इसमें दिक्कत है कि नेट बैंकिंग में आपके थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। लेकिन सबसे जो सरल तरीका है, चलिए हम फोन पे से इस QR कोड को स्कैन कर लेते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर इसे स्कैन करके और पेमेंट करता हूँ अपने फोन पे में, तो यहाँ पर आप देखिए ये पेमेंट हो चुका है। तो इस तरह से पेमेंट सक्सेसफुल आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर ये रिसिप्ट आपको मिल चुकी है, पेमेंट वाली रिसिप्ट है, इसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है। चलिए इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। उसके बाद प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे और फॉर्म का प्रिंट आउट लेंगे। आप देख सकते हैं फाइनल फॉर्म का प्रिंट आउट आ चुका है। तो अब इस प्रिंट आउट को आपको अपने पास सेव करके रख लेना है, अगर किसी कस्टमर का है तो उसे आपको ये दे देना है। तो चलिए इसका भी फाइनल प्रिंट आउट ले लेते हैं, प्रिंट पे क्लिक करेंगे और इसका प्रिंट आउट भी लेके अपने पास सेव कर लेते हैं एक बार। अब बाई चांस अगर आप प्रिंट आउट नहीं ले पाए हो फॉर्म का, तो यहाँ से फॉर्म को रीप्रिंट कर सकते हो। दोबारा आप फिर कभी भी प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ पर आप चालान नंबर से या फिर जनरल डिटेल दर्ज करके भी नॉर्मल जो आपके पास डिटेल है, आपका नाम, पिता का नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसी के साथ अगर आपने पेमेंट रिसिप्ट का प्रिंट आउट नहीं लिया है तो बाई जनरल डिटेल से भी यहाँ पर आप पेमेंट रिसिप्ट दोबारा से निकाल सकते हो, अगर आप भूल गए हो किसी भी कारणवश। तो इस तरह से आप ये कंप्लीट फॉर्म भर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारी मेहनत के लिए लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि PTT से संबंधित हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, फॉर्म भरने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।